साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय के समीप शुक्रवार की सुबह लगभग 10:15 बजे 4 से अधिक की संख्या में अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रीता देवी पति दिनेश पासवान जिरवावाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत सखरोगढ़ निवासी की जमीन को मुन्ना यादव, बबलू यादव, मिथुन पासवान, छोटू पासवान व सुनील सिन्हा सभी मिलकर जमीन हथियाने के उद्देश्य से घेरने की फिराक में थे। वहीं इस बात की सूचना जमीन मालिक रीता देवी को मिलते ही वह मौके पर पहुंचकर इसका विरोध जताया तो सभी अपराधी उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और छोटू पासवान ने रीता देवी को गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। संयोगवश उसी समय पुलिस की पिंक पेट्रोल वैन उसी राह से गुजर रही थी, जिसे देख अपराधी रीता देवी को जान से मारने की धमकी देकर 4-5 राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर व जिरवावाड़ी ओपी की पुलिस को साथ लेकर घटना स्थल पहुँच मामले का जायजा लिया। वहीं पीड़ित रीता देवी ने नगर थाना में मामले को लेकर आवेदन देते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं मामले को एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि एसडीओ कोठी के समीप गोलीबारी हुई है, जमीनी विवाद को लेकर यह घटना सामने आई है। मामले की पुलिस पदाधिकारियों द्वारा छानबीन की जा रही है। वही एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मामले में जो भी अभियुक्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज 10:30 बजे के आसपास ये सूचना आई कि दो पक्ष में मारपीट हुई है जमीन विवाद को लेकर और फायरिंग की भी बात बताई जा रही है। हमारे पुलिस पदाधिकारी वहाँ गए थे, अग्निगढ़ पदाधिकारी भी वहाँ गए, पुलिस पदाधिकारी वहाँ गए थे और घटना की छानबीन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से रीता देवी और एक मुन्ना यादव के बीच जमीन को विवाद लेके बात बताई जा रही है। जी तहकार हो रही है, 3 राउंड बताया जा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है। घटना क्या है, वास्तविकता क्या है, लोगों के द्वारा बताया गया कि 3 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन अभी तक वैसे साफ सुथरा नहीं है, लेकिन छानबीन जारी है, उसकी सत्यता की जाँच की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो गया? अभी एफआईआर के दर्ज की प्रक्रिया चल रही है।